हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेयर आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इज फ्रॉम चैप्टर टू एनसीईआरटी। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस रिलेशन, लाइक टाइम पीरियड इज गिवन टू अस, रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड 2π√L/g, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। सिंपली मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी देयर। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जी के लिए रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा, लाइक दिस इज टी इज इक्वल टू 2π√L/g। सो हम सबसे पहले इक्वेशन स्क्वेयर करेंगे, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4π² L/g। सो फ्रॉम हेयर जी इज बेसिकली इक्वल टू 4π² L/t²। देन हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। इट मीन्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी बाय जी इंटू 100%। ये हमें कैलकुलेट करना है और इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली वी नो दैट दिस डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% इज सिंपली डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा कैपिटल T/t देयर। सो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। इट इज़ ऑल्सो परसेंटेज एरर और परसेंटेज एक्यूरेसी, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100% देयर। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज गिवन देके रखी हैं। लाइक लेंथ इज मेजर्ड, पेंडुलम का लेंथ जो है मेजर किया गया है 20 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली जो एल है वो 20 सेंटीमीटर है एंड इट इज़ नोन टू अ 1 mm एक्यूरेसी। इट मीन्स दैट जिस इंस्ट्रूमेंट से इस लेंथ को मेजर किया गया है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 mm, और वी कैन सिंपली कॉल इट 0.1 cm देयर। सो इट मीन्स दैट इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.1 cm। सो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगा इस लेंथ की मेजरमेंट में, दैट इज एज वी नो दैट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द लीस्ट काउंट। सो डेल्टा एल की जगह हम सिंपली राइट कर देंगे 0.1 देयर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय कैपिटल टी। सो स्टूडेंट्स, ये जो डेल्टा टी बाय कैपिटल टी है ये हमें यहाँ पर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हमें समझना पड़ेगा इसे। सो वी नो दैट कैपिटल टी इज बेसिकली टाइम पीरियड, और यहाँ प्रॉब्लम में हमें दे के रखा है द टाइम पीरियड फॉर दीज 100 ऑसिलेशंस इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम जो फाइंड आउट किया गया है 100 ऑसिलेशंस होने में जो टाइम लगा है स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिकली 90 सेकेंड्स। सो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन को होने में जो टाइम लगता है। सो यहाँ से हम देखें कि एक ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 90/100 सेकेंड्स। सो यहाँ से हम टाइम पीरियड का रिलेशन देख रहे हैं। सो टाइम पीरियड इज बेसिकली कैपिटल टी से हमने टाइम पीरियड को डिनोट किया है, तो टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं द टाइम टेकन। लेट सपोज हमने 90 सेकेंड्स को डिनोट कर दिया जो टोटल टाइम लगा है इन 100 ऑसिलेशंस में स्मॉल टी से, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को हमने डिनोट कर दिया एन से। इट मीन्स दैट कैपिटल टी इज बेसिकली टोटल टाइम टेकन फॉर द गिवन ऑसिलेशंस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। सो हेयर दीज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज बेसिकली अ कॉन्स्टेंट देयर, बट हम यहाँ से देख रहे हैं कैपिटल टी इज इक्वल टू T/n, बट n इज अ कॉन्स्टेंट। हम इस रिलेशन की मदद से दैट डेल्टा T/t फाइंड आउट कर लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन डेल्टा T/T इज इक्वल टू डेल्टा T/t देयर स्मॉल t। राइट हैंड साइड में हमने स्मॉल टी से डिनोट किया है लाइक दिस टोटल टाइम को, और कैपिटल टी से हमने इक्वेशन में डिनोट किया था टाइम पीरियड को, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल टी लिख रखा है। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डेल्टा T/t का वैल्यू आया है डेल्टा स्मॉल t/t। सो डेल्टा टी इज बेसिकली द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डिटर्मिनेशन इन द मेजरमेंट ऑफ दैट टाइम देयर। बट यहाँ दिया है कि ये जो जिससे हमने क्लॉक से मेजरमेंट किया है उसका रेजोल्यूशन है 1 सेकेंड। सो इट मीन्स दैट जो यहाँ पर डेल्टा टी रहेगा दैट इज 1 देयर। एंड देन बेसिकली जो टी था, टी वाज बेसिकली द टाइम टेकन, लाइक यू नो दैट यहाँ हमने रिलेशन लिखा है कैपिटल टी इज इक्वल टू T/n। टी मीन्स द टाइम टेकन फॉर दिस गिवन ऑसिलेशन, सो इट इज 90। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास डेल्टा T/T का वैल्यू आ रहा है 1/90। सो अभी से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट इज़ लाइक 1/90 देयर। सो वील सिंपली सॉल्व दैट एंड गेट द आंसर फॉर परसेंटेज एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल जी, दैट इज रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इट इज सिंपली 1/200 + 1/40।
45 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो स्टूडेंट्स इसे जब आप सॉल्व करेंगे पूरा एलसीएम लेने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 2.7% एज योर आंसर। सो इट विल बी लाइक प्लस माइनस 2.7% आंसर। सो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो है 2.7% प्लस माइनस। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिसे आपको सॉल्व करना है उसके लिए आपको एक रिलेशनशिप लिखना होगा कि उसका क्या रिलेशन है गिवन क्वांटिटीज़ के साथ, गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ। देन आपको ये देखना है कि आपको निकालना क्या है। हियर लाइक आपको डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% निकालना था। इट इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस टू टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 बिकॉज दीज टू टर्म्स आर द कॉन्स्टेंट्स देयर। दीज आर नॉट द मेजर थिंग्स देयर। एल और टी आर द मेजर्ड वन। सो देन हियर वी जस्ट हैव टू वर्क आउट ऑन दिस डेल्टा टी बाई कैपिटल टी एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन देयर। थैंक यू वेरी मच।